बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने नाइन्थ की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज कर दिया है और इसका एक यानी कि पहले यूनिट के लेक्चर्स का पार्ट वन हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले हम नाइन्थ और टेंथ की आपके फिजिक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो नाइन्थ और टेंथ के हैं और साइंस और कंप्यूटर साइंस उन्होंने रखी हुई है, वो इस चैनल से मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो बारी बार फीस अदा कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमी या स्कूल में, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पीसी है, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो आप एक छोटा सा सस्ता सा इंटरनेट कनेक्शन ले और इन तमाम लेक्चर्स को बारी बार फीस जो अकेडमीज में अदा कर रहे होते हैं उससे छुटकारा हासिल करके उससे ना सिर्फ मुस्तफीद हो सकते हैं बल्कि अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो यूनिट वन केमिस्ट्री, जिसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर्स का पार्ट वन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, अभी हम पार्ट टू को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नाइन्थ की केमिस्ट्री यूनिट वन फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर्स का पार्ट टू, जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपसे ये भी गोशगवार करता चलूं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएस इंग्लिश, बीएस मास्टर, बीएस उर्दू के सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उनको भी अडाप्ट करके एफएस लेके मास्टर लेवल तक इंग्लिश के अपलोडेड हैं, और इसके साथ साथ जो नेसेसरी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड हैं। तो लेक्चर यूनिट वन का पार्ट टू, जिसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि मास का जो एटम है, एटम का मास जो इतना कम होता है कि उसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ नस्बत मालूम कर सकें। यह नस्बत एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट के एटॉम्स के औसत एटॉमिक मास और कार्बन जो आपका 12 आइसोटोप्स यानी कि एलिमेंट जिसका मास नंबर मुख्तलिफ लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा, कि एटॉमिक मास के 10वें आपके 12वें हिस्से से नस्बत के बराबर होता है। कार्बन 12 के मास मेयार की बुनियाद पर कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 है, जिसका 1/12 यानी कि 12 हिस्सा 1 है, यानी कि 1/2 जो है 12 है इसका यूनिट का एक हिस्सा होता है। जब हम दीगर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मुवाजना कार्बन यानी कि 12 के कार्बन के 12 एटम के साथ करते हैं, तो वो इन एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को जाहिर करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल AMU कहलाता है, यानी कि इस सिंबल से हम एटॉमिक मास यूनिट से जाहिर कर सकते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट का कार्बन 12 के एक आइटम का 12वां हिस्सा होता है। ग्राम्स में एटॉमिक मास यूनिट इस तरह जाहिर किया जा सकता है, एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10 24। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ प्रोटोन 1.007, तो और इसका ये बनता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन में आपका ये बनता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 5.486 यानी कि 9.6, ये एटॉमिक मास यूनिट बनता है। तो इस तरह इन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। किसी एक शय में कितने ग्राम होते हैं, वो AMU होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का क्या ये आपका सल्फर टेस्ट है जो अभी तक आपने सुना है। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, इसको फार्मूला में किस तरह हम लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। जिस तरह एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, इसी तरह कंपाउंड के कीमिया फार्मूले के जाहिर किए जाते हैं। कंपाउंड के कीमिया फार्मूले मंदरजा ज़ैल मराहल को ज़हन में रखते हुए किए जाते हैं। नंबर वन, दो आयंस के सिंबल्स को इस तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आयन अबाइन जानब और नेगेटिव आयन अदाइन जानब में आ जाए। नंबर दो, आपका दोनों आयंस की वैलेंसी उनकी अलामत के ऊपर कोने पर लिख दी जाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका बनता है। नंबर थ्री, आपका स्टूडेंट्स दोनों आयंस की वैलेंसी को उनके निचले एक उन्हें पर दाएं जानब खींच कर इस तरह किसे लाया जाता है कि सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, अगर इसका आप मिलाप करवाएं तो आपको ये फार्मूला यानी कि उसको इस तरह लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर इनके फार्मूला को अगर इस तरह लिखा जाए, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड
एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो इस तरह उनको जो जाहिर किया जाएगा जब इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है। नंबर चार पे अगर आप बैलेंसेस एक जैसी हों तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर ये मुख्तलिफ हों तो उन्हें इसी तरह और इसी मुकाम पर लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड खाने का नमक की सूरत में दोनों बैलेंसेस कैंसिल कर दी जाती हैं और फार्मूला NaCl के तौर पर जो है ना लिखा जाता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 के तौर पर लिखा जाता है, यानी कि CaCl2 और सोडियम क्लोराइड, तो इस तरह इनको मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो इसके साथ साथ नंबर पांच में अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल और चार्ज का हमलों मसलन SO4 यानी कि सल्फेट फॉस्फेट पर रेजिलेंट चार्ज इस रेडिकल की वैलेंसी को जाहिर करता है, ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह 3 और 4 में बयान किया गया, जो हम ये 4 तो ऊपर हम 3 जो बयान कर चुके हैं, लेकिन इस सूत्र में नेगेटिव रेडिकल को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला जो होता है Al2SO4 और कैल्शियम फॉस्फोरेट का जो Ca3PO4 इन ब्रैकेट के तौर पर लिखा जाता है, तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है कि ऐसा केमिकल फार्मूला जो दो तरह के होते हैं, केमिकल फार्मूला की सादा तीन शक्ल एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है, ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा आधी नस्बत को करता है। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के फीसद मकदार मालूम करके मुतय्यन किया जाता है। यहां पर हम उसे चंद मसालों से वाजिया करेंगे। नंबर 1 जो है वो आपका ऐसा जो सिलिका यानी कि रेत जो कि इक्विवेलेंट कंपाउंड होती है में सिलिकॉन और ऑक्सीजन सादा निस्बत 1:2 में पाए जाते हैं, लिहाजा इसका एम्पिरिकल फार्मूला जी SiO2 लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसी तरह ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सादा निस्बत 1:2.1 होती है, चुनाचे इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O कहलाता है, यानी कि CH2O होता है और इस तरह उनको जाहिर किया जाता है CH2O, इस तरह उनको लिखा जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसके साथ साथ जैसा कि एज डिस्कस अर्लियर हम बयान कर चुके हैं, आयनिक कंपाउंड जो कि कंपाउंड्स जो कि सह तरफी ढांचा की सूरत में पाया जाता है, हर आयन को मुखालफ चार्ज वाले आयन इस तरह से घेरे होते हैं कि मजमूई तौर पर इस कंपाउंड की कोई पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहलाता है। लिहाजा एक आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है, यानी आयनिक कंपाउंड में आयन की सादा तरीन आधी नस्बत है, दीगर अल्फाज में आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर लें तो आम नमक का फार्मूला यूनिट एक Na+ उसमें एक आयन और एक क्लोराइड उसमें आयन पर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होते हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला NaCl होता है। इस तरह पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला KBr है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाता है। नेक्स्ट है मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है आइए देखते हैं। चूंकि मॉलिक्यूलर एटम्स के रिएक्शन से वजूद में आते हैं इसलिए उनको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की मदद से जाहिर किया जा सकता है, जो इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से दर्जे ज्यादा तल के जरिए जाहिर किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला विद इन 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि उनको हम जो एन की कीमत है 1, 2, 3 और उससे आगे पर मुश्तमल हो सकती है। तो इस तरह किसी कंपाउंड का फार्मूला उसके एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर या उससे कहना ज्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है जो इसके एम्पिरिकल फार्मूला CSX किया गया है, और इसमें क्या होगा कि आप यहाँ एन की कीमत 6 है, टेबल 1.6 में मुख्तलिफ एम्पिरिकल फार्मूले दर्जाल दिए गए हैं। तो इस पाल में ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको भी आप देखकर मेमोराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास क्या होते हैं आइए देखते हैं। एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मसलन H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 MaMu जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU होता है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ न्यूट्रिक एसिड एंड HNO3, और इसमें मसलन H2O का जो मॉलिक्यूल है वो 18 और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO2 को अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करें तो इसमें क्या होगा कि H आपका एटॉमिक मास 1 है और N
आपका एटॉमिक 14 है, एटॉमिक मास O का जो है ना वो ऑक्सीजन का 16 है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम HNO3, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने 63 AMU आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका आयनों का कंपाउंड जो कि तीन रुखी ठोस क्रिस्टल बनाते हैं, फार्मूला यूनिट से जाहिर किए जाते हैं। सूरत में एक शय के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के मजमू का फार्मूला मास का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जो है ना 58 AMU और कैल्शियम कार्बोनेट CaCl3 का 100 AMU कहलाता है। और इसकी नेक्स्ट आगे मिसाल भी दी गई है। और पोटेशियम सल्फ्यूरेट का फार्मूला मास आपने मालूम करना है, वैल्यूज दी गई हैं, फार्मूला को अप्लाई करें, वैल्यूज को पुट करें तो आपकी वैल्यू 174 AMU निकलेगी। नेक्स्ट है आपका केमिकल स्पीशीज, यानी कि केमिकल अनवा जो हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका इमेज आ रहा है और ये आपका केमिकल स्पीशीज यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि आप एटम या एटम्स का ऐसा मजमू है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, आयन कहलाता है। सॉरी, इस लिहाज से आयन्स की दो किस्में होती हैं, एटम या एटमों का ऐसा मजमू है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, आपका कैटायन कहलाता है। कैटायन इस वक्त बनते हैं जब किसी एटम के सबसे बिरूनी शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। मिसाल के तौर पर सोडियम है Na और Ka बिलतरतीब सोडियम और पोटेशियम के जो कैटायन्स हैं, यानी ये सोडियम और पोटेशियम के एटम्स के बिरूनी शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से वजूद में आते हैं। ज़ैल की मसवा से जाहिर होता है कि किस तरह एटम से उनके कैटायन्स बनाए जाते हैं। सो ये एटम्स है और ये कैटायन्स है और इनको इस तरह शो किया गया है, यानी कि एच जो है एच प्लस Le और इस तरह जो सोडियम है Na प्लस Le और Ca जो है ना बनता है Ca प्लस 2 प्लस 2e। तो इस तरह इनको जब मिलाएंगे तो ये बनता है। चूंकि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग में प्रॉब्लम की वजह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसमें एक एटम या एटम का ऐसा मजमूआ होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको एटम एंटाइन मतलब एनाइन कहा कहलाता है। एनाइन इस वक्त मौजूद में आता है जब एटम के बरूनी शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शामिल हो जाएं। मिसाल के तौर पर क्लोराइड और ऑक्सीजन दो एनाइन्स हैं जो कि क्लोरीन के एटम एक इलेक्ट्रॉन के अजाफे से और ऑक्सीजन के दो एटम इलेक्ट्रॉन्स के अजाफे से वजूद में आते हैं। ज़ैल की मसवा से जाहिर होता है किस तरह एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अजाफा हुआ और वो एनाइन बन जाते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है प्लस यहाँ पे एक एनाइन बनता है, तो इस तरह आपका क्लोरीन आपका ये बन रहा है। और नंबर दो पे ऑक्सीजन है प्लस टू का, यहाँ पे अगर यहाँ पे इजाफा होता है तो ऑक्सीजन किस तरह इनके ये फार्मूले तरतीब में आ रहे हैं। तो 1.7 जो यहाँ पे आगे को एटम्स और आयन्स के दरमियान जो फर्क है वो शो कर रहा है। तो एटम क्या होता है और आयन्स क्या होता है वो आपके सामने यहाँ पे बयान किया। जो एटम होता है ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और जो आयन होता है ये किसी आयन का कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है, और जो एटम होता है वो एटम आजाद आजादाना वजूद बरकरार भी रखता है और बास सूरतों में नहीं रखता, तहम ये पार्टिकल केमिकल रिएक्शन से हिस्सा लेते हैं। जो आयन होता है उसमें क्या होता है कि यह आजादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, इसके मुखालफ चार्ज के हमल आयन इसको घेरे होते हैं। नंबर तीन पे आपका पॉजिटिव जो है यानी एटम पर मजबूत तौर पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है जो एटम होता है, और जो आयन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के हामल होते हैं। तो इसमें तमाम की तमाम चीजें देखी जा सकती हैं आपके एटम और आयन्स के अगेंस्ट, ये दोनों के दोनों जो आपको टेबल में दिखाया गया। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर आयन, ये चूंकि यहाँ के प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है तो इसमें आपकी बुक में ठीक होगा, मुझे जो इस किस्म का शोर है तो मैं आपको फिर भी इनकी एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहा हूँ। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है यहाँ पे 1.3 जो आपकी हेडिंग है, तो इसमें क्या होता है जब किसी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं या इसमें दाखिल हो जाएं तो ये मॉलिक्यूलर आयन्स बन जाता है। इस आयन को रेडिकल भी कहते हैं। यू इस पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हो तो ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को इस तरह जाहिर किया जाएगा। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स अपने मद्दे मुकाबले यानी कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स की निस्बत से पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये आगे सोडियम है, क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। जब ये मतलब ये कहना था कि मॉलिक्यूलर आयन्स है जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसों पर आयन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाए तो ये मॉलिक्यूलर आयन्स की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। टेबल 1.8 मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में चंद फर्क अब बताए गए हैं। तो आगे 1.8 कौन सा फर्क है, ये आपके सामने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन्स की डिफरेंशिएशन है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है और मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है ये देखते हैं। मॉलिक्यूल में ये किसी एक ऐसे एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं जो आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है और इसमें एलिमेंट की तमाम खसूसियात होती है। और मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है कि ये किसी मॉलिक्यूल से एक या एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के खराज या हसूल से वजूद में आता है। नंबर दो, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल होता है और इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूलर आयन में।
नंबर थ्री में आपका ये एटम्स के मिलने से वजूद में आता है और मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूल्स के आयनाइजेशन से वजूद में आता है। नंबर चार आपका ये कंपोजिट यूनिट है और ये कीमिया तौर पर रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव के तौर पर नतीजे में आता है। नेक्स्ट आपका फ्री रेडिकल्स, आपके 1.3 जो हेडिंग्स है वो आपका फ्री रेडिकल है। इसमें फ्री रेडिकल में क्या होता है कि फ्री रेडिकल ऐसे आइटम या आयंस के मजबूत की तादाद में बनते हैं जिन पर ताक जिनके ओड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद में आते हैं। इसको जाहिर करने के लिए मुतलका एलिमेंट के सिंबल पर एक नुक्ता मतलब डाल दिया जाता है, एक जो और नुक्ता वो कौन सा डाल दिया जाता है, वो डॉट का नुक्ता डाल दिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव बॉन्ड का सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इस तरह इनके ऊपर जो है ना वो जो रेडिकल आयंस होते हैं इनके ऊपर ये नुक्ता डाल दिया जाता है, तो इनको इस तरह जाहिर हम कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर ये आपके सामने ही है आपका हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन कार्बन ऑक्साइड यहाँ पे। और फ्री रेडिकल पैदा करने के लिए दो एटम्स के मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की आपकी हाइपोलिटिक यानी कि तकसीम की जाती है और ये इस वक्त होता है जब ये एटम एनर्जी या अलाइड जज्ब करें और आज़ाद रेडिकल इंतहाई एक्टिव होता है क्योंकि इसमें अपने पुरानी शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे करने का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। टेबल 1.9 आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान कुछ फ़र्क बयान किए गए हैं। और 1.9 में क्या होता है यानी कि आपके फ्री रेडिकल और आयन में क्या फ़र्क है आइए देखते हैं 1.9 में। ये एक फार्मूला भी यहाँ पर दिया गया मॉलिक्यूल्स एंड फ्री रेडिकल, तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को देख सकते हो। डिफ्रेंसिएशन आयंस एंड फ्री रेडिकल आयंस में क्या है, फ्री रेडिकल आयन जो होता है और आयन जो होता है आयन में एटम्स एक ऐसे एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज होता है और फ्री रेडिकल्स ऐसे आइटम या एटम के मौजूद जिनके इलेक्ट्रॉन्स ताक तादाद में होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता। नंबर दो आपका ये सोल्यूशन या क्रिस्टल क्रिस्टलेस में रह सकते हैं, ये सोल्यूशन और हवा में भी रह सकते हैं। नंबर तीन पे रोशनी की मौजूदगी इनके बनने पर कोई असर नहीं रखती या रोशनी की मौजूदगी में बन सकते हैं। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को आयन फ्री रेडिकल्स आयन को आगे किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भी प्रिंट की प्रॉब्लम्स है मॉलिक्यूल्स की अकसाम। मॉलिक्यूल्स की अकसाम इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें कीमिया रिएक्शन से वजूद में आता है, किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट होता है, इसमें मादे की तमाम तरह खसूसियात मौजूद होती है और यह ज्यादा तौर पर वजूद रख सकता है। यहाँ मिलने वाले एटम्स की तदार और अकसाम के पेशन मॉलिक्यूल्स की बहुत सी अकसाम देख सकते हैं। यहाँ चंद अकसाम का जिक्र किया गया, सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नोबल गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तमाम की तमाम एटॉमिक में अपना ज्यादा वजूद बरकरार रखती हैं, इसलिए इन एटम्स को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम पर मुश्तमिल होता है तो उसको डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2 और क्लोरीन CH2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरह किया जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में तीन एटम हो तो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिनके कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह इसको जाहिर किया जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत से एटम्स हों और उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज, ये तमाम की तमाम चीज़ इस तरह बनती हैं। आम मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों उन्हें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फर और फास्फोर वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये आपके कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स की अकसाम। नेक्स्ट है आपका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूल मास और ग्राम मास फार्मूला, तो वो क्या होता है आइए उसमें देखते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं और इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि इसमें जो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूल मास और ग्राम फार्मूला मास जो होते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H2, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सर्किल, ये हम अभी हाइड्रोएटॉमिक मास इसको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपकी एवोगाड्रो नंबर्स है, अब मास ऑफ सब्सटेंस है और कलेक्शन ऑफ फार्मूला है, जिनके ऐसे मार्बुला जिनके बेतरतीब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल मास और फार्मूला मास कहा जाता है उसको AMU से जाहिर करते हैं। लेकिन इन मासेस को दूसरे यूनिट से भी जाहिर किया जा सकता है, चुनाव इन मासेस को ग्राम में जाहिर किया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास, नंबर टू ग्राम मॉलिक्यूल मास, नंबर थ्री ग्राम मॉलिक्यूल मास, तो इस तरह इनको तमाम चीज़ों से जाहिर करके उनको किया जा सकता है। सबसे पहले है आपका ये कुछ रिलेशनशिप है बिटवीन एवोगाड्रो नंबर एंड मोड ऑफ सब्सटेंस।
सॉरी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और इनमें एवोगाड्रो नंबर थोड़ा सा चले एवोगाड्रो नंबर ही पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सॉरी टू से फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक है, क्योंकि जो मैंने दूसरी बुक में पढ़ा था वो किसी और तरीके से है। तो मां सब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर केमिस्ट्री में एक ऐसी ऐसा हमारा वासा जिन एशिया से पढ़ता है वो पार्टिकल जिनके एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला पर मुश्तमिल होते हैं। लेबॉरेटरी के कीमियादानों में उनके जो है ना पार्टिकल्स की कितनी गिनती मुमकिन ही होती है एवोगाड्रो नंबर के जरिए किसी शय की दी गई मकदार में पार्टिकल्स की तादाद के शुमार को आसान बनाया जाता है। एवोगाड्रो नंबर से मुराद 6.02 आपका जो मल्टीप्लाई बाय 10 है पार्टिकल्स होते हैं उनकी तादाद को आसान बना दिया जाता है और उनका मजमूआ होता है उसे सिंबल एन ए से जाहिर किया जाता है। तो जब इनको इसे जाहिर किया जाता है तो इसमें सादा अल्फाज जो होते हैं 6.12 उसके पार्टिकल का मजमूआ एक मोल के बराबर होता है, बिल्कुल इस तरह जैसे 12 अंडे एक दर्जन के बराबर होते हैं। एवोगाड्रो नंबर और मोल के दरमियान जो ताल्लुक को समझने के लिए इस दर्जे ज़ैल की चंद मिसालें दी गई हैं। नंबर वन, कार्बन के जो होते हैं एटम्स का मजमूआ इज इक्वल टू कार्बन का मोल, और इसमें जो है ना पानी के जो मॉलिक्यूल्स का मजमूआ पानी का एक मोल के बराबर दिया गया है, और नंबर थ्री पे आपका सोडियम क्लोराइड के जो फार्मूला यूनिट है यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 23 के साथ उसको सोडियम क्लोराइड का एक मोल के बराबर दिया गया है। यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स के 6.20 मल्टीप्लाई 10 के एटम्स या मॉलिक्यूल्स एलिमेंट या कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फार्मूला के यूनिट्स के एक मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। मजीद हम इस एटम की तादाद या आयन की तादाद के बारे में वजाहत के लिए मिसालों पर गौर कर सकते हैं। नंबर वन, आपका पानी के एक मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के एक और एटम ऑक्सीजन का होता है, चुनांचे हाइड्रोजन के जो एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स में से पानी का एक मोल बनता है। नंबर दो, आपका सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट में एक आयन सोडियम और एक आयन क्लोराइन के फार्मूला में एक आयन बनता है, जबकि सोडियम क्लोराइड के एक मोल में सोडियम के आयन्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 22 और इस तरह क्लोराइड्स के आयन की तादाद यूं सोडियम क्लोराइड के एक मोल में आयन की तादाद 6.02 जमा 6.02 इज इक्वल टू 1.20 आपका ये मल्टीप्लाई जमा करके यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आपका मोल केमिस्ट यानी कि आपका यूनिट ऑफ केमिस्ट ये सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट यानी कि खुफिया जो केमिस्ट है उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप किसी भी ऊपर दिए गए तरीके से वाजा किया गया कि किस तरह एटम या मॉलिक्यूल्स और फार्मूला के वास्ते से उनकी अद्दी तादाद से ताल्लुक बनता है। हम एक मोल की तरफ यूं भी कह सकते हैं किसी शय की वो मकदार जिसमें शय के पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होते हैं, यूँ मोल दरअसल किसी शय के मास और पार्टिकल्स की तादाद के ताल्लुक वाजा करता है। इस नजरिए की मजीद वजाहत आगे बयान की गई है, मौजूद मोलर कैलकुलेशन के दौरान की जाएगी। अंग्रेजी में मोल को मुख्तसन हम MOL से जाहिर करते हैं, MOL से जाहिर करते हैं। हम जानते हैं कि एशिया एलिमेंट या कंपाउंड होती हैं, यूं किसी शय के मास से मुराद एटॉमिक मास मॉलिक्यूल या इस फार्मूला से बनता है। इन तमाम अकसाम के मासेस को एटॉमिक मास यूनिट भी जाहिर किया जाता है यानी कि AMU में, लेकिन इन मासेस को ग्राम से जाहिर किया जाता है, उन्हें मोलर मास भी कहा जाता है, तो उसको मोलर मास भी कहा जाता है। और इस साइंसदान इस अमर पर मुतफिक किसी शय के मोलर मास में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, इस लिहाज से मोल की मकदारी तारीफ ये भी होगी कि किसी शय के एटॉमिक मास मॉलिक्यूल मास या फार्मूला उसको ग्राम से मज़ाहर किया जाए तो इस शय का मोल होगा। मिसाल के तौर पर क्या चीजें होंगी, आपका जो एटॉमिक मास है वो कार्बन के मास के 12 ग्राम को जाहिर करें यानी कि कार्बन के 12 ग्राम कार्बन का एक मोल बराबर होता है। इसी तरह हाइड्रोजन के यानी कि 18 ग्राम एक मोल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर के आपके 98 है एक मोल ऑफ H2SO4 और फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम एक मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का, और इनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो मसावात की जहर सक नंबर ऑफ मोल्स है यानी कि मोल्स की तादाद है, 9 मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि शय का दिया गया मास और शय का
या मोलर मास आपको चाहिए, या उसको हम इस फार्मूले की मदद से भी मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास से भी इजहार कर सकते हैं। किसी शय और उसके मोल के दरमियान मोलर मास और पार्टिकल्स की तादाद के हवाले से तफसीली खाका मंजरिया ज़ैल बयान किया गया है। और ये सब्सटेंस है यानी कि अब शय है और ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर आपका एक सब्सटेंस बनता है, कोई शय बनती है। और ऊपर जो हम पूरे का पूरा चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो इसी चीज़ के डायग्राम की मदद से वो चीज़ें स्टेप बाई स्टेप तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में वही फार्मूला जो दिया गया है उसको अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके आप नंबर ऑफ मोल्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिकल कैलकुलेशंस क्या होती है? केमिकल कैलकुलेशन में आप या बाप के सिस्टम में हम किसी भी शेयर के दिए गए मास में इसके पार्टिकल्स की तादाद, उसके मोल्स की तादाद अगर मालूम कर सकेंगे तो इस तरह किसी शेयर के मोल्स की तादाद या पार्टिकल्स की तादाद दी गई होगी तो उसका शेयर मास मालूम करने की मशक करेंगे। इन तमाम कैलकुलेशन के अनुसार दरअसल मोल की तस्वीर पर होता है। ये चंद मिसालों से इस तस्वीर को मजीद वाजिया करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नो मास ऑफ द सब्सटेंस, शेयर के दिए गए मास से उसमें मोल्स और पार्टिकल्स की तादाद मालूम कर रहे हैं। और किसी शेयर के दिए गए मास में दर्जा मसबात के जरिए उस मोल की तादाद मालूम कर सकते हैं, मोल्स की तादाद और शेयर का दिएगा मास और मल्टीप्लाई करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस यानी कि शेयर का मोलर मास। जब मोल्स की तादाद मालूम हो जाए तो दर्जा मसबात की मदद से इन मोल्स में शेयर के पार्टिकल्स की तादाद मालूम की जा सकती है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय आपको जो दिया गया नंबर है यानी कि उसके मोल्स की तादाद और उसका जो एवोगाड्रो नंबर है उसके मुताबिक उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद हो जाएगी। तो इन फार्मूलों को आप मेमोराइज करेंगे ताकि आगे जो इस किस्म के न्यूमेरिकल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम करेंगे तो इनको अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके आप निकाल सकते हैं। मोल मास कैलकुलेशन किस तरह की जाती है? कैलकुलेशन हम 1.5.2 में दिए गए मसबात के जरिए किसी शेयर के दिए गए मास में मोल्स की तादाद मालूम करते हैं यानी कि वो कौन सी तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स की तादाद, शेयर का दिए गए मास और शेयर का आप वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास आप मालूम कर सकते हैं। जब हम शेयर के मोल्स की तादाद दिए गए उस मास का मालूम करना चाहें तो दर्जा मसबात को दोबारा तरतीब देख एक और मसबात हासिल करेंगे जो ये होगी। मिसाल के तौर पर शेयर का मास है इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई उसको मोल्स की तादाद से करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इन तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.5 है यानी कि आप यहाँ पे एक मसाल दी गई है और आपने नंबर ऑफ मोल्स को आपने मालूम करना है, फार्मूला लगाएंगे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका ये मोल्स की तादाद यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट आपका मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में क्या होगा? इन कैलकुलेशन की में हम किसी भी शेयर के पार्टिकल्स की जो तादाद होती है उसके मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मोल्स की तादाद से उनकी में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद बता सकते हैं। यहाँ पार्टिकल से मुराद एटम्स, मालिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स हैं। इस मकसद के लिए दर्जा ज़ैल मसावात इस्तेमाल होगी। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स की तादाद, पार्टिकल्स की तादाद आप डिवाइड करेंगे इसको आपका एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.20 से। इसके साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मालूम करना है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये चीज होगी। समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशंस किस तरह होती है? आपका शेयर का मास होगा और उसमें मोल होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, इस तरह ये आपका सर्कुलेशन बनती है। आगे कुछ याद रखने वाली चीजें हैं और फिर आपके सामने एग्जांपल दिए गए हैं और एग्जांपल में आपने जो क्या चीजें मालूम करनी है फार्मूले आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। फार्मूला पुट करेंगे वैल्यूज को अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके सोल्यूशन ऑलरेडी दी गई है। एग्जांपल 1.7 भी इसी तरह आपने करनी है और चूंकि फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं तो उनको आप तमाम चीजों को देख सकते हैं। तिबी दुनिया की मालिकुलरिटी क्या होती है यानी कि मालिकुलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इंसान ने अपने अख्वास की मदद से तिबी दुनिया की नौयत मालूम करने के लिए बहुत कोशिश की। 20वीं सदी में सबसे बड़ा सबक जो हमें मिला वो केमिस्ट्री का इलम का था यानी कि मरकजी हसीद अख्तियार कर गए। इससे हमें मालूम होगा किसी भी जान या बेजान शय में जो केमिकल रिएक्शन या एक्शन होता है मालिक्यूल्स की बुनियाद पर होता है। केमिकल रिएक्शन खास छोटे से छोटे या जानदार हों उनके किसी भी आला दर्जे के जानदार मालिक्यूल्स की तश्कील के अमल के जरिए उनको देखा जा सकता है, उससे तिबी दुनिया की मालिक्यूलर की बुनियाद का पता चलता है। नेक्स्ट आपका बादगी यानी कि कंपल्सरी नौयत जो होती है यानी कि नेचर ऑफ
कंपलसरी है। इसमें 1924 में एक डी ब्रॉकली ने मादे की दोहरी नौइयत का नजरिया पेश किया, जिसके मुताबिक मादा पार्टिकल्स नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का खसूसियत का अमल है। उसने इन दोनों तस्वीरों के पस मंजर को वाजिया किया कि उसने दलाय से यह साबित करने की कोशिश की दोनों निज़ाम एक दूसरे अलग नहीं हो सकते, इसलिए उनसे रियाजती फार्मूला की मदद ये साबित किया हर मुतरक अपने जिसम वेव से मुंसलिक और हर वेव आपका ज़राती नौइयत की हमल भी होती है, इससे मादी और वेव से ज़राती नौइयत को समझने की बुनियाद हासिल होगी। नेक्स्ट है कुछ साइंसदानों के काम से साइंस को तरक्की मिली और कुछ से रुकावट मिली। द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंट एट द सेम ऑफ द इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखा गया कि इंसान अपने लोगों के तबियाती, हयातियाती, नफसियाती और मुआशरती दुनिया के बारे में बहुत से अहम मरबूत और मकबूल नजरियात उसने पेश किए और इन नजरियात ने आने वाली नस्लों को इस कदर कादर बनाया कि मुख्तलिफ जगराफी के खितों के लोगों को और उनके माहौल के बारे में एक जामे और काबिल एतमाद फहम हासिल कर सकते हैं। इन नजरियात के तशकील की वजह तरीकाकार इख्तियार किया, वो मुशाहदे, तजर्बात और मकबूलियत मबनी पर एक तरीकाकार इख्तियार किया। साइंसी तरीका या तरीकाकार साइंसी लोगों की तरवीज के एक बुनियादी आलूम को जाहिर करता है और इस तरह की अक्कासी साइंसी आलूम के दीगर आलूम से भी मुख्तलिफ हो सकती है। मोल एक नाकाबले यकीन मकदार है, यानी कि मोल एक्विनिटी क्या होती है, एक नाकाबले यकीन मकदार है। एक कंप्यूटर जो एक सेकंड में 10 मिलियन का गिनती कर सकता है, वो एटम्स के एक मोल की गिनती करने में 2 बिलियन साल लगा दिए गए। एक मोल का कांच की जो चीज़ें हैं उसमें गोलियां जमीन की सतह पर फैलाई जाएं तो ये पूरी जमीन के गिरते तकरीबन 3 मोटी दर्द का बना देंगी। नंबर 3 पे आप पानी के एक गिलास में तकरीबन 10 मोल पानी होता है और उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद सहराए में मुहावरा में मौजूद रेत के पार्टिकल से ज्यादा होगी। तो डी स्टूडेंट ये था आपके ब्रांचेज ऑफ यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर यूनिट 1 के लेक्चर्स का पार्ट 2, जिसमें हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जिसके कुछ की पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स को आप देख लें कि आपने हमने कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें डिस्कस की, सब्सटेंस ऑफ क्लासीफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को डिस्कस किया, कंपाउंड्स एंड फॉर्म्ड के जो केमिकल कम्बिनेशन थे एटम्स में और उनके जो फिक्सड रेशियो थी उसको डिस्कस किया, मिक्सचर और मिक्सिंग एलिमेंट्स जो कंपाउंड में होते हैं उनको हमने डिस्कस किया और इसके साथ साथ बहुत सारी जो भी बुलेट पॉइंट दिए गए हैं तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आपने खुद करना है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा, मैं इसको भी रिजॉल्व करवा दूंगा, चूंकि हम पूरे का पूरा चैप्टर हम A to Z सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं इसलिए मैं एक्सरसाइज रिजॉल्व नहीं करवा रहा और फार्मूला आपको ऑलरेडी बता दिए गए। अगर न्यूमेरिकल हूँ तो आप उन फार्मूलाज को अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके आप उन न्यूमेरिकल्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है जो इस पूरे यूनिट में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप इनको सॉल्व कीजिए और अगर आप कहेंगे तो हम बाद में इनको अभी कर लेंगे। तो ये था आपका यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 यूनिट 1, जिसमें हम तमाम चीज़ें डिस्कस की। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, लेक्चर यूनिट 1 के लेक्चर्स पार्ट 2 हमने डिस्कस किया, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जो कि हम वन बाई वन हर चीज़ बयान कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया और 9th और 10th के स्टूडेंट के हैं, साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, वो इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इन लेक्चर्स को अटेंड करके आप जो है ना बारी बरकम जो फीस अदा करते हैं प्राइवेट स्कूल्स और अकेडमी से उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त चैप्टर 2 में या यूनिट 2 के साथ, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिस्कस किया जाएगा, फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।